हेलो दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं मैकेनिकल ऑटो या प्रोडक्शन के, तो आपके लिए यह वीडियो लेक्चर जो हमारा होने वाला है, ये वीडियो लेक्चर 8 होने वाला है। इस लेक्चर में हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे और सारी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियो जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इसकी नोट्स चाहिएगा तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप हमारी सारी टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ जो हम अपलोड करेंगे वो एग्ज़ाम के नज़दीक आ जाने के बाद ही करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकंड यूनिट है जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, यानी पारेषण प्रणाली है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पारेषण प्रणाली होता क्या है। तो किसी वाहन के इंजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को वाहन के पहिए तक पहुंचाने के लिए जितने भी पार्ट तथा मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, उनके संयोजन की प्रणाली को ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि किसी इंजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको पहिए तक पहुँचाने के लिए जितने भी पार्ट या मैकेनिज्म या यंत्र विन्यास का प्रयोग किया जाता है, उनके संयोजन को जो हम कहते हैं वो ट्रांसमिशन सिस्टम या पारेषण प्रणाली कहते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम के मुख्य पार्ट्स जो आते हैं वो सबसे पहला हमारा देख लेते हैं, क्लच है, गियरबॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, एक्सल है, स्टीयरिंग है, व्हील एंड टायर जो हमारे हैं, ये जो है हमारे 6 जो दिए हुए हैं, ये पारेषण प्रणाली के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, क्लच क्या होता है, क्लच के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, किसी वाहन की पारेषण प्रणाली का एक मुख्य भाग होता है क्लच। जो होता है किसी वाहन की पारेषण प्रणाली यानी ट्रांसमिशन सिस्टम का मुख्य भाग होता है। इस युक्ति का प्रयोग एक शाफ्ट की घूर्णन गति को किसी अन्य शाफ्ट पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि क्लच का प्रयोग जो हमारा होता है पारेषण प्रणाली में इसलिए किया जाता है कि एक शाफ्ट की जो गति होती है उसको दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट करने के लिए ही क्लच का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ लेते हैं क्लच के फंक्शंस क्या हैं, हम जान लेते हैं क्लच क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि यह 40 शाफ्ट या ड्रिवन शाफ्ट को चालक शाफ्ट के साथ बिना किसी झटके के जोड़ता है। तो दोस्तों, यह जो हमारा चालक शाफ्ट है और 40 शाफ्ट को है बिना किसी झटके को जोड़ता है एक साथ। दूसरा हम देख लेते हैं, यह इंजन के आघूर्ण को आसानी से पारेषित करता है। तो दोस्तों, यह जो हमारा सेकंड नंबर बताया है कि जो यह इंजन के टार्क को आसानी से ट्रांसमिट करता है। थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्लच इंजन की उच्च गति वाली स्थिति में भी दोनों शाफ्टों को बैलेंस बनाए रखता है। क्लच जो हमारा होता है किसी गाड़ी में जब उच्च गति होती है फिर भी वो बैलेंस बनाए रखता है। अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ नंबर का जो हमारा है, क्लच इंजन की उच्च गति वाली स्थिति में उत्पन्न होने वाले कंपनों को भी कम करता है। क्लच का कार्य क्या है कि यदि हमारी गाड़ी तेज स्पीड से चल रही है तो उसमें जो कंपन होता है उसको भी कम करने का कार्य क्लच के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ नंबर हम देख लेते हैं, चालक शाफ्ट की चलती अवस्था में चालित शाफ्ट को जोड़ने तथा हटाने का कार्य क्लच की सहायता किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि मैं एक आसान सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा कि आप कभी यदि गाड़ी चलाए होंगे तो आपने जब गियर चेंज करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप क्लच को दबाते हो, उसके बाद गियर को कम या ज़्यादा करते हो। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यह क्लच जो होता है हमारा चालक शाफ्ट को जोड़ने का या हटाने का काम क्लच की सहायता से ही करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि क्लचों के प्रकार, कितने प्रकार के क्लच होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला मुख्य रूप से जो क्लच होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पर, इस तरह से यदि आप लाइन डायग्राम बढ़ा लेते हैं तो आपको अच्छा एग्जाम में अच्छा नंबर मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा जो क्लच को दो भागों में बांटा गया है, पहला है धनात्मक क्लच, दूसरा जो हमारा है ऋणात्मक क्लच। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा है, जो हम धनात्मक क्लच में जो हमारा है उस पहला है जबड़ा क्लच। जबड़ा क्लच के अंतर्गत जो आते हैं हमारे वो आते हैं
घर्षण क्लच भी आते हैं और सिंगल प्लेट क्लच आते हैं और मल्टी प्लेट क्लच आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जो हमारा है कि ऋणात्मक क्लच के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ऋणात्मक क्लच के अंतर भी घर्षण क्लच आते हैं और हाइड्रोलिक क्लच आते हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी के अनुसार इनको डिवाइड किया गया है कि जो हमारे क्लच होते हैं सबसे पहले हमें इनको दो भागों में बांटा गया, पहला धनात्मक क्लच, दूसरा जो हमारा ऋणात्मक क्लच। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि धनात्मक क्लच को फिर एक भाग में बांटा गया जो है जबड़ा क्लच। फिर जबड़ा क्लच को क्या किया गया, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है हमारा घर्षण क्लच, घर्षण क्लच, उसके बाद जबड़ा क्लच भी दो के अंतर्गत आ जाता है, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच। उसके बाद जो हमारा ऋणात्मक क्लच है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला है घर्षण क्लच, दूसरा है हाइड्रोलिक क्लच। तो दोस्तों इस तरह से आप एग्ज़ाम में लाइन डायग्राम बना के आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि धनात्मक क्लच क्या होता है। जो हमारा धनात्मक क्लच होता है वो जबड़ा क्लच या जबड़ा क्लच के अंतर्गत आता है। धनात्मक क्लच जो होता है उसके अंतर्गत जबड़ा क्लच, उसके बाद उसके अंतर्गत जो आता है हमारा वर्गाकार जबड़ा क्लच, उसके बाद स्पाइरल जबड़ा क्लच आता है। और ऋणात्मक क्लच में हमारा जो आता है वो घर्षण क्लच आता है। घर्षण क्लच के अंतर्गत जो हमारा आता है प्लेट क्लच आता है, सिंगल प्लेट क्लच आता है, मल्टीप्लेट आता है। उसके बाद इनके अंतर्गत जो हमारा आता है ऋणात्मक क्लच के अंतर्गत शंकु क्लच आता है, अपकेंद्री क्लच आता है, अर्ध अपकेंद्री क्लच आता है। तो दोस्तों इस जितने भी क्लच आपको है हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सेकंड नंबर में जो हमारा आता है ध्रुवीय हाइड्रोलिक क्लच आता है, तरल फ्लाई व्हील क्लच आदि आते हैं जो हमारे आते हैं, ये क्लच के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि घर्षण क्लच क्या होता है। तो दोस्तों घर्षण क्लच वे क्लच होते हैं जो गति पारेषण हेतु अपने दोनों भागों के मध्य लगने वाले घर्षण बल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों घर्षण क्लच जैसा कि यदि आपने कभी देखा होगा क्लच, तो उसमें क्या होता है कि ये अपने मध्य के दो भागों के बीच घर्षण को बलों के कारण ही प्रयोग किए जाते हैं। घर्षण क्लचों का प्रयोग से गति स्थानांतरण में झटका आदि लगने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों घर्षण क्लच में जब ये हमारी गाड़ी गति करती है, जब हम घर्षण क्लच का उपयोग करते हैं, तो उसमें झटका आदि लगने की संभावना नहीं रहती है। इन क्लचों का प्रयोग उन स्थानों पर बहुत उपयुक्त रहता है जहां प्रचालित शाफ्ट को चालक शाफ्ट के साथ बार बार जोड़ना तथा हटाना पड़ता है। तो दोस्तों घर्षण क्लचों का उपयोग उन स्थानों पर ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर क्लच को बार बार जोड़ना तथा हटाना होता है। घर्षण क्लच का मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार से के होते हैं। सबसे पहला हमारा हद होता है, जो हमारे घर्षण क्लच को बांटा गया निम्नलिखित तीन प्रकार से बांटा गया है, वो पहला होता है हमारा प्लेट क्लच, दूसरा जो होता है शंकु क्लच, तीसरा जो होता है हमारा अपकेंद्रीय क्लच। तो दोस्तों घर्षण क्लच को फिर से तीन भागों में बांट दिया गया है। तो दोस्तों इसमें प्लेट क्लच क्या होता है हम बात कर लेते हैं। इसमें गति पारेषण हेतु प्रयोग किए जाने वाले क्लच प्लेट की आकृति के होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा प्लेट क्लच होता है वो प्लेट के आकार का होता है, इसलिए इन क्लचों क्लच के नाम से प्लेट क्लच, इसलिए इनको प्लेट क्लच के नाम से जाना जाता है। इसको डिस्क क्लच के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों प्लेट क्लच को हम डिस्क क्लच के नाम से भी जान सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ प्लेट क्लच का फिगर दिखाया हुआ है, हमारा ये चालक शाफ्ट ए है, ये हमारा जो है पूरा भाग वो फ्लैंज है, बी हमारा है फ्लैंज क्यों है, ये हमारा जो 40-60 बी है, यहाँ हमारी ये जो लगी हुई है ये कॉलर है, ये हमारी जो दिखाई हुई है स्प्रिंग हुए है, ये जो हमारी है स्लीव है, यहाँ जो हमारा पतली सी पट्टी आपको दिख रही होगी ये हमारा जो होता है फ्रेक्टिंग लाइनिंग होती है, ये हमारी होती है जो कुंजी होती है। तो दोस्तों ये आपको प्लेट क्लच का आकृति दिखाया गया, आप एग्ज़ाम में अच्छा से करिए। इसमें देख सकते हैं आप लोग, इस क्लच में दो फ्लैंज पी तथा क्यू का प्रयोग किया जाता है। एक फ्लैंज पी को चालक शाफ्ट द्वारा चालक शाफ्ट ए द्वारा कुंजी पर फिट कर लेते हैं, दूसरे फ्लैंज क्यू को फीडर कुंजी के द्वारा स्प्लाइन द्वारा चालक शाफ्ट बी पर फिट कर लेते हैं। दोनों फ्लैंजों के संपर्क सतहों पर एक चालक फ्रिक्शन लाइनिंग लगे होती हैं,
घर्षण स्तर के ऊपर स्वरूप एस्बेस्ट, कार्क, चमड़ा, फेल्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जब दोनों शाफ्टों के अलग अलग करना हो तो स्लीव के द्वारा ही फ्लैंजकियों को स्प्रिंग के विरुद्ध दाईं ओर सरका देते हैं। प्लेट क्लच निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ है कि प्लेट क्लच को भी फिर से इनमें दो भागों में बांट दिया गया। पहला हमारा एकल प्लेट क्लच, दूसरा जो हमारा बहु प्लेट क्लच। तो दोस्तों हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और सारी टॉपिक के साथ। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही।